कोरोना महामारी के बाद बिना किसी पाबंदी अब सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, खासकर पटाखों की दुकानों पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। पटाखों की बिक्री का सीजन दिवाली से ही शुरू होता है और फिर शुरू हुए शादियों के मुहूर्त के खत्म होने तक ही रहता है। इसी बीच मध्य प्रदेश स्टेट GST की टीम ने पटाखा व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। दिवाली के सीजन में पटाखों का मार्केट जोरों पर है। पटाखा व्यापारियों के लेन देन की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश स्टेट GST की टीम ने भोपाल स्थित लालघाटी पर पटाखों की 6 दुकान पर सुबह ही बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अब तक करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं बाद कार्रवाई के दायरे में आए व्यापारियों की दुकानें और गोदाम सील कर दिए गए। शुरुआती जाँच में ही बड़े पैमाने पर कर चोरी सामने आई है। अधिकारी की माने तो आगे की कार्यवाही में कई और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। बहुत करीब आ गया, सारे व्यवसाय अपनी भी तैयारी में। इस बार क्या पटाखे में नया मिलेगा? पटाखे में काफ़ी कुछ नए आइटम आए हैं बच्चों के, ग्रीन पटाखे बने हैं, ग्रीन पटाखों पैटर्न में अच्छे अच्छे पटाखे बनाए हैं बच्चों के, जैसे कोई भी प्रदूषण ना हो, ग्रीन केमिकल पे माल आ गया है। सर महंगाई तो देखती है, फिर इस बार ऐसे पटाखे आए जो कम बजट में दीपावली मना सके आदमी? क्या है, देखिए ग्रीन केमिकल जो है वो बहुत महंगा है। अच्छा, उसके लिए ऑटोमेटिक रेट कुछ बढ़े हैं पटाखे के, लगभग 30-40% रेट बढ़ गए। अब लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं बच्चों को खुश करने के लिए, सेल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन क्या है कि दिवाली तो मनानी है। सर इस कि ये तो अधिकारियों का काम है और अधिकारी जो है कभी भी आदेश दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम लोग व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के आने का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारी भाइयों को? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कार्रवाइयाँ अगर महीना भर पहले हो जाए तो व्यापारी जो है अपने सुचारू रूप से धंधा भी कर सकते हैं। आज 13-12 दिन बचे हैं, 12-13 दिन में अगर ये कार्रवाई होती है तो धंधा डिस्टर्ब होगा। आप अध्यक्ष पटाखे मार्केट से, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से तो हमें अच्छी इच्छाएं हैं, अच्छी सोच है हमारी। हम तो यही कहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा धंधा करके GST खोल देवें गवर्नमेंट को। बस यही कुल मिलाई कार्रवाई पहले होती तो हम 70 बस थोड़ी सी पहले हो जाए, 70 होने की बात नहीं है, पहले हो जाती कार्रवाई जो होती है वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले होने से क्या है, अभी क्या है, ये बिजनेस रह गया है टाइम भी, थोड़े से टाइम में ये बिजनेस करना है और ये टाइम जो है बिजनेस का ही है। हर कोई आदमी 5-8 दिन पहले आता है और अपने बिजनेस अपना फटाखा ले जाता है, तो हम लोगों को वो डिस्टर्ब हुआ है बस, और कुछ नहीं है। बाकी हमें कोई गवर्नमेंट से कोई एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छा है जो भी उन्होंने किया है, बढ़िया है।